हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ माया और हमारी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं। फ्रेंड, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आलू के पापड़। पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 किलो आलू लिए हैं, जिनको उबाल कर छील लिया है। अब हम इनको कद्दूकस कर लेते हैं। हमें छोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस करनी है और बहुत ही ध्यान से करनी है, अपने हाथ की भी सेफ्टी रखनी है। आलू हमारे कद्दूकस हो गए हैं, अब स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया पत्ती डाल देंगे, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। आलू हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पन्नी ली है, ये साड़ी वाली पन्नी है जो साड़ी के साथ आती है, इसको मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसमें तेल लगा लेते हैं, तेल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं और 1 साल तक हम आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब हम अपने हाथों में तेल लगा लेते हैं और आलू का मिक्सचर लेंगे। उसके इस तरह से गोल लोइयां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 2 पापड़ एक साथ बनाएंगे। देखिए, मैंने 2 लोइयां रख ली हैं, अब इनको हाथ से थोड़ा सा फैला लेते हैं। अब इस पन्नी को हम ऊपर से रखेंगे और अब हम लेंगे इसके लिए एक प्लेट। इससे हम पापड़ के ऊपर रख के प्रेस कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पापड़ बना लेंगे। अब हम पापड़ को थोड़ा सा हाथ से सेट कर देंगे, कहीं पे मोटा रह गया या टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो हम इस तरह से सेट कर देंगे इसको। देखिए कितना बढ़िया पापड़ बना है, एकदम पतले पतले पापड़ बने हैं। अब हम पन्नी को खोल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये पापड़ बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चुन्नी ली है, उस पर इस पन्नी को रखेंगे और हाथ से प्रेस करते हुए धीरे से निकाल लेंगे पन्नी को। देखिए इस तरह से हमने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब यहाँ पर ये 2 घंटे हो गए हैं पापड़ को सूखते हुए। अब हम इनको पलट देते हैं। हमें ये 40% तक ही सूखने के बाद हम इनको पलट देंगे। ये बहुत ही आसानी से देखिए आप छूट रहे हैं और यहाँ पे हमें 7 घंटे हो गए हैं पापड़ को सुखाए हुए। ये अच्छी तरह से सूख चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये सूख चुके हैं, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं। अब हम आपको पापड़ तल के भी दिखाएंगे। इसके लिए हमें मीडियम गरम तेल चाहिए होगा। तो देखिए इनको तलने में बहुत ही कम समय लगता है, मुश्किल से 3-4 सेकंड लगते हैं और पापड़ तल जाता है। देखिए कितने फटाफट हमारे पापड़ निकल रहे हैं कढ़ाई से। लीजिए, रेसिपी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।